नमस्कार, मैं कनिका बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज रूम पोस्ट में। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जिनका लक्ष्य दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना होता है। शिक्षक दिवस पर हम आपको ऐसे ही दो युवाओं की कहानी बताएंगे जो लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे गरीब बच्चों का जीवन बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिनेश पांडे और निशु मिश्रा लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। करीब 5 साल पहले दिनेश और निशु ने हमारा कर्तव्य नाम से एक एनजीओ की शुरुआत की थी। हमारे कर्तव्य संस्था के संस्थापक दिनेश पांडे बताते हैं कि तकरीबन 5 साल पहले वह नोएडा के सेक्टर 62 एक इलाके से सब्जी खरीदने गए थे। वहां पर मौजूद खाली पड़े ग्राउंड में कुछ बच्चे नशा करते और जुआ खेलते हुए दिखाई दिए, जिसे देखकर उनका मन काफी चिंतित हुआ और उन्होंने अपने मित्र निशु मिश्रा से बात कर उन बच्चों का जीवन संवारने का प्रयास शुरू किया। मेरा नाम दिनेश पांडे है, मैं हमारा कर्तव्य फाउंडेशन का संस्थापक हूँ और हम ये कार्य पिछले 2017 से कर रहे हैं। और रीजन ये रहा कि एक बार मैं 62 वाले ग्राउंड में सब्जी लेने गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ बच्चे उस ग्राउंड में जुआ खेल रहे हैं, कुछ नशा कर रहे हैं। नशा भी ऐसा नहीं कि सिर्फ सिगरेट या दारू हो, वो अपने रुमाल में डाइल्यूटर, वो नेल पॉलिश मिटाने वाला या फिर वाइटनर को मिटाने वाला जो लिक्विड आता है, उसको अपने रुमाल में डाल के ऐसे ऐसे सूंघ रहे थे। तो मैंने निशु जी से बात करी, फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया वहाँ पे जाके। और अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ 3 E पे कर रहे हैं। ई मतलब एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एनवायरमेंट। एजुकेशन के लिए हमारे 4 फ्री एजुकेशन सेंटर चलते हैं नोएडा सेक्टर 62 में, खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद, दिल्ली गाजीपुर और ग्रेटर नोएडा 51। पास में ही छोटी सी पाठशाला खोलकर बच्चों को शिक्षा देना शुरू करा। शुरुआत में 2-4 बच्चे ही पढ़ने आते थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। मौजूदा समय में हमारा कर्तव्य संस्था द्वारा खोड़ा कॉलोनी, गाजीपुर सेक्टर 62 और ग्रेटर नोएडा में एजुकेशन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां न सिर्फ गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा दी जाती है बल्कि आसपास के बच्चों को भी शिक्षा का महत्व बताकर उन्हें पाठशाला से जोड़ा जाता है। हमारा कर्तव्य संस्था के अध्यक्ष निशा मिश्रा बताती हैं कि बीते 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में संस्था द्वारा काफी कार्य किए गए हैं। करीब दर्जन भर से अधिक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के बाद उनका दाखिला स्कूलों में करवाया गया है। मैं निशु, हमारा कर्तव्य फाउंडेशन की एक प्रेसिडेंट व एक वॉलेंटियर। जैसे कि आपको दिनेश पांडे सर ने बताया कि हमारे बीच में डिस्कशन हुआ अबाउट दी कि कैसे हम बच्चों को एनहांस कर सकते हैं, तो देन हम लोगों ने प्लानिंग करी और हमने 11 मार्च 2017 से स्टार्ट किया। और जैसे अभी आज आप देख सकते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट में हैं और हम यहाँ पे हम लोगों ने सारे लैपटॉप्स कंप्यूटर रखे हुए हैं ताकि हम बच्चों को अच्छी से शिक्षाएं दे पाए। मेरी मम्मी भी एक सोशल वर्कर हैं, उनसे मुझे ये मिला कि जब मम्मी कर रही है, मम्मी ने हमें कभी नहीं बोला कि तुम, मम्मी से हमें प्रेरणा मिली कि हमें ये चीज ये कार्य करना चाहिए और हमें अपने सोसाइटी के लिए आगे, अपने सोसाइटी के हित में सोचना भी चाहिए। और वी आर वर्किंग ऑन 3 E, एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। शुरुआती दौर में गरीब बच्चों को सिर्फ शिक्षा दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगी। शिक्षा के साथ बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर संस्था द्वारा काम किया गया। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेल, बाहर घुमाने ले जाना और म्यूजियम आदि पर भी संस्था का फोकस रहता है। हमारा कर्तव्य संस्था द्वारा गाजियाबाद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोला गया है, जिससे कि गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्किल भी सिखाया जा सके। निशु मिश्रा बताती हैं कि समाज के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरणा उन्हें उनकी माँ से मिली, क्योंकि उनकी माँ भी लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। निशु मिश्रा का लक्ष्य है कि गरीब बच्चों को शिक्षित कर उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। मेरे साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।